हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सप्लेन। तो लास्ट क्लास में हम लोग इस अपने परीक्षा के सीरीज में अध्याय दो का हम लोग स्वागत कर चुके हैं और अध्याय दो का पहला वीडियो एकदम अपलोड हो चुका है, उसको जरूर से देखना, तभी आप वीडियो टू में आइएगा। तो ठीक है, अब तक के क्लास में मैं क्या पढ़ा हूं और क्या अब इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, अब तक हम लोग ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत और परिसर पढ़ चुके हैं और महत्वपूर्ण सारणी में आप लोगों को बताया। तो आज के इस वीडियो में चतुर्थांश सूत्रों के बारे में डील करने वाला हूं। चतुर्थांश सूत्र से 48 फॉर्मूला बढ़ते हैं और वो 48 फॉर्मूला आपको 48 सेकंड नहीं लगेगा याद करने में, और वो 48 फॉर्मूला जीवन भर पीछे नहीं छोड़ेगा, आगे आने वाले अध्याय में भी वो काम आएगा। ठीक है, तो एकदम एक बार कंसेप्ट समझ रहे हैं और जीवन भर के लिए वो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 अंक के क्वेश्चन और 4 अंक के क्वेश्चन डील करने वाला हूं आप लोग। ठीक है, इससे पहले क्लास में देखो मैं ये बता दिया था प्रांत परिसर के बारे में और महत्वपूर्ण सारणी के बारे में बताया। तो आज आप लोगों का हेडिंग रहने वाला है चतुर्थांश सूत्र आप लोगों का हेडिंग रहने वाला है। तो चलिए, तो आज की क्लास जबरदस्त तरीके से चतुर्थांश सूत्र को डेडिकेट करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, इधर पूरा आप लोगों का फोकस इसमें रहना चाहिए, बस आप और मैं और हमारा ये कंसेप्ट। अगर मैं एक बनाता हूँ ये वाई अक्ष, ठीक है सर, और एक बनाता हूँ एक्स अक्ष, बस ध्यान से बस देखते रहना, ठीक है सर। फिर से मैं बनाया एक वाई अक्ष, ओके सर, नो प्रॉब्लम, और बनाया एक्स अक्ष, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मेरा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये क्या हो जाता है, माइनस एक्स अक्ष होता है और ये माइनस वाई अक्ष होता है। अभी मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है, बस ध्यान से बस देखते रहना ना। ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, इतना मालूम है। तो एक्स और वाई को मैं हटा देता हूँ, एक्स और वाई को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी इसमें लिखने वाला हूं। अब ध्यान से देखो, आप लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना, ध्यान से देखना। क्लॉकवाइज होता है घड़ी के दिशा के समान, ये मैं अभी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, ये देखो ऐसा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के समान, घड़ी ऐसे चलता है ना, टिक टाक टिक टाक, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा के समान। और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत, घड़ी कैसे चलता है ऐसे ऐसे चलता है, और ये क्या चल रहा है, घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखना, एंगल वाली बात कर रहा हूं। तो क्लॉकवाइज में देखो, ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री। क्लॉकवाइज आप चलोगे तो आपका एंगल ना माइनस में होगा, एंगल माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री, फिर ये हो जाएगा -180 डिग्री। सब में -90 ऐड होते जाते हैं, ये जो एंगल है ना ये, ठीक है, 90-90 का होता है, ये माइनस बता रहे हैं कि हम लोग भाई क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये 180 डिग्री और ये हो जाएगा -270 डिग्री। आप लोग फिर यहाँ पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा -360 डिग्री, और ऐसे ऐसे करके चलते जाएगा, 90-90 पर जुड़ता जाएगा। ये किसकी बात किया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात किया। अब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा। अभी मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं कैसे मूव कर रहा हूं, ऐसा मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्या कैसे कर रहा था, क्लॉकवाइज कर रहा था, तो क्लॉकवाइज तरीके से गया। देखो यहां पर था तो इस तरीके से मैं गया, यहां से गया इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं पहले इसके पास रहूंगा, इसके पास जाऊंगा, फिर इसके पास, ऐसे ऐसे करके घूमूंगा, तो ये 0 हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज से एंगल पॉजिटिव रहता है, इसमें एंगल निगेटिव है, एंगल पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, और फिर 90-90 इसमें ऐड होता जाएगा, फिर इसमें 90 ऐड कर दो, फिर 90 ऐड कर दो, ऐसे ऐसे करके ये डिग्री क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में आप लोगों को बताया, क्लॉकवाइज में एंगल हम लोग निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारा है। अब जब मैं चतुर्थांश सूत्र की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में डील करेंगे, पूरा एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा। तो ठीक है, तो मैं एक और बनाता हूं, फिर यहां पे ध्यान से देखना ना, 48 फॉर्मूला का सवाल है, 48 फॉर्मूला का सवाल है, बोला मैं 48 फॉर्मूला का सवाल है, 48 फॉर्मूला, सर आप सच बोल रहे हो कि 48 फॉर्मूला है, ऐसा आप सच बोल रहे हो क्या, ये पूरा दे दूंगा आप लोग, ये लो गिन लो, ये 6 और ये 6 12, ये 6 और ये 6 12 2 24, ये 6 फिर ये 6 ये 6 और ये 6, देख लो 6 2 12 18, ये 24 है इधर और इधर 24 है, ये आप लोगों को ना याद हो जाएगा, बोला मैं, ये कंसेप्ट बस समझ लेना। तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 270 डिग्री, तो सर ये हम लोग बता दें क्या, सर ये हो जाएगा सर 360 डिग्री, बस यहाँ तक ठीक है।
अब यह हुआ पहला चतुर्थांश, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये पहला चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश, ये क्या होगा 90 से लेकर 180 तक, ये होगा दूसरा चतुर्थांश सर, तो ये हो जाएगा ना तीसरा चतुर्थांश सर, बेहतरीन, और ये होगा सर चौथा चतुर्थांश, एक नंबर, आप लोगों को सब आ गया। तो क्या करूं, पढ़ाना छोड़ दूं? अरे देखो अभी तो देखो, ध्यान से बस देखना मेरी बात को। मान लो आप लोग इस पहले चतुर्थांश में खड़े हो, पहला चतुर्थांश है जीरो और नब्बे के बीच, जीरो और नब्बे के बीच, ध्यान से देखना, जीरो और नब्बे के बीच, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ध्यान से बस देखते रहना, ध्यान से बस देखते रहना, बोला मैं ध्यान से बस देखते रहना, पेन को बदल लेता हूं, ध्यान से बस देखते रहना। तो ये यहां पे आप लोग खड़े हो, मान लो तो आप लोग 90 से पहले खड़े हो, यहां पे खड़े हो तो 0 और 90 के बीच में, यानी 90 से आप पहले खड़े हो, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 से पहले हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, थीटा की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे रखो, थीटा की वैल्यू 1 रखूंगा तो 90 से पहले पहले क्वाड्रेंट में जाओगे, थीटा की वैल्यू 10 रखूंगा तो आप लोग 80 में आओगे, 90 माइनस 10 80, मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही रहोगे। अब मैं दूसरे क्वाड्रेंट में आया, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, 90 से ज्यादा, पहले क्वाड्रेंट में यहां पे आप खड़े हो मान लो यहां पे, तो पहले में क्या आएगा 90 से कम, दूसरे में क्या है 90 से ज्यादा, दूसरे में 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो आप लोग क्या करोगे, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। अब आप लोग 180 में खड़े हो तो ये 90 से कम होगा और ये 90 से ज्यादा होगा, ऐसे आ रहे हो 90, 91, 92, 93, 94 करके 180 आ रहे हो, तो 180 माइनस थीटा होगा, यानी 180 से कम यहां पर मिलने वाला है, 180 माइनस थीटा, और यहां जा रहे हो 180, 181, 182, 183 ऐसे करके 270 तक जा रहे हो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो 180 से ज्यादा होगा ये, 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा होगा, तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश 270 माइनस थीटा होगा, क्योंकि देखो अगर आप लोग 270 में खड़े हो तो 270 के पहले क्या होगा, 270 से कम होगा ना, तो 270 माइनस थीटा। अब बताओ आप लोग चौथे चतुर्थांश में हो, चौथे चतुर्थांश में हो तो क्या आएगा, 270 से ज्यादा आपको मिलेगा और 360 से कम मिलेगा, एक राउंड घूम चुके हो आप, अब जीरो मत बोलना, जीरो से ज्यादा मिलेगा नहीं बोलना, आप यहां पर से ऐसे घूम के आ रहे हो, जीरो यहां पे छोड़ दिए हम लोग, अब हम लोग इधर आ रहे हैं, अब यहां पे पहुंचेंगे तो 360 में पहुंचेंगे, जीरो में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, एक राउंड कर लिए, तो ये 270 प्लस थीटा होगा, 270 से ज्यादा, और ये क्या होगा, ये वाला चौथा चतुर्थांश 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे डिग्री कर देते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हाँ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है 90 डिग्री ये। तो अब आप लोग एक राउंड यहाँ पे ऐसे घूम के पूरा ऐसे करके आ गए हो, अब यहाँ पे पहुंच रहे हो फिर से, ठीक है, तो अब ये जो है ना 360 से ज्यादा है, 360 से ज्यादा है, अगर आप लोग एक राउंड घूम के इसके पास अगर पहुंच जाओगे तो ये कितना होगा, 90 जोड़ दो, 360 में 90 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 450, तो आप लोग एक घूम के आ गए और फिर से इस क्वाड्रेंट में आ गए तो ये क्या होगा 360 प्लस थीटा होगा, 360 प्लस थीटा, बस इससे आगे हम लोग को नहीं जाना है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, वीडियो को आप लोग फिर से देखो, मैं आप लोग को बताया बस कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, यहाँ पे हो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, यहाँ पे हो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, यहाँ पे हो 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, क्लियर है क्या, रटना नहीं है, रटना नहीं है, जो भी मैं ग्रीन कलर से लिखा हूँ वो याद है, चलो अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद हो गया, बस ध्यान से देखना, ध्यान से देखने में हम लोगों को कंजूसी नहीं करनी, बस ध्यान से देखना, ठीक है सर। अब देखो कितने अनुपात होते हैं हमारे, 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, यहाँ पे ना इस पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर आप पहले चतुर्थांश में हो और मैं बोला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या है, धनात्मक कि ऋणात्मक, सर आप बोलोगे धनात्मक। अगर आप दूसरे चतुर्थांश में हो, ये दूसरे चतुर्थांश में हो, तो इस दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये दोनों बस धनात्मक होते हैं, दोनों बस धनात्मक होते हैं, तो सर बाकी क्या होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। अगर मैं तीसरे चतुर्थांश की मैं बात करूं, तीसरे चतुर्थांश की बात करूं, तो यहां पे टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा बस धनात्मक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक।
चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा बस धनात्मक होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा बस धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। अब ना एकदम थोड़ा ठंडे दिमाग से सांस वांस ले लो और यहाँ पे देखो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चतुर्थांश एंटी क्लॉकवाइज गए, 0, 90, 180, 270, 360। क्लियर है? यहाँ पे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। क्लियर है? पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे में क्या है साइन और कॉसेक, तीसरे में क्या है टेन और कॉट, चौथे में क्या है कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। क्लियर है? अगर आप लोग ये समझ गए तो सब समझ गए, और नोट करके लिखना है यहाँ पे, नोट करके लिखना आप लोग। क्या नोट करके लिखोगे? देखो जोड़ा कैसे बनता है, जोड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे, जोड़ा कैसे बनता है देखना, ठीक है? कौन से कलर से लूँ बताओ, ये वाले कलर से लेते हैं सर। तो देखो साइन थीटा अनुपात क्या होता है, साइन थीटा 6 अनुपात होते हैं, कॉस थीटा साइन कॉस, टेन थीटा साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक थीटा, ये 6 होते हैं। अब देखो पेयर कैसे बनता है, साइन का कॉस के साथ बनता है और कॉस का साइन के साथ, ऐसा पेयर बनता है। टेन का कॉट के साथ बनता है तो कॉट का टेन के साथ बनता है, सेक का कॉसेक के साथ बनता है तो कॉसेक का सेक के साथ पेयर बनता है, ये पेयर ऐसा बनता है। तो नोट का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कभी भी 90 डिग्री आप लोग को दिखा, 90 डिग्री और 270 डिग्री, यहां पे इसको मिटा दो, 270 डिग्री, तो हमेशा याद रखना आपका पेयर चेंज होगा। अगर साइन है, साइन का पेयर क्या है कॉस, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस है कॉस का पेयर क्या होता है कॉस, साइन में बदल जाएगा। तो यहां पे 90 और 270 में पेयर क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा, अभी सब बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। और अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री दिखा तो पेयर चेंज नहीं होगा, पेयर चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज लिख देता हूं, नॉट चेंज, पेयर चेंज नहीं होगा, बस अब कंसेप्ट खत्म, अब बस कंसेप्ट हो गया खत्म। इतना चीज आप लोग याद कर लो, ध्यान दे दो, इतना चीज याद कर लो, ध्यान दे दो, बहुत नंबर, यही ये वीडियो ही बहुत नंबर दे देगा, क्योंकि अभी हम लोग अवकलज पढ़ने वाले हैं, समाकलन पढ़ने वाले हैं, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, फिर आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, ये यूज होगा, देख डालो। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो बताता हूँ, सबसे मेन मुद्दा में आ रहा हूँ मैं, किसको भाई अप्लाई कैसे करते हैं, इधर आ जाओ। अब देखो, अब मैं एग्जाम्पल वन लिया, यहाँ से चालू करता हूँ, एग्जाम्पल वन लिया। अगर मैं बोलूँ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा एग्जाम्पल वन, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, इसका जो पेयर है वो चेंज होगा कि नहीं, और पेयर चेंज किस में होता है, 90 और 270 में होता है। तो यहां पे देखना, अगर आप लोग को 90 दिखा तो पेयर को चेंज कर देना, सबसे पहले पेयर देखेंगे चेंज होता है कि नहीं, और पेयर चेंज होता है कि नहीं उसके लिए यहां पे का एंगल हम लोग देखेंगे कि 90 और 270 है कि 180 और 360, ठीक है? तो यहां पे एक और एग्जांपल में लिया, दूसरे नंबर का एग्जांपल में लिया, यहां पे बस ध्यान से देखते रहो यार, ध्यान से देखते रहो, 180 प्लस थीटा, ये कितना होगा? तो मैं सबसे पहले बोला पेयर चेंज होगा कि नहीं, ये देखो तो 180 है, 180 में पेयर चेंज होता है कि नहीं, देखो 180 में तो नहीं होता, तो साइन का साइन लिख दो, पेयर चेंज नहीं होता। इसमें 90 में पेयर चेंज होता है, हाँ होता है 90 में, देखो चेंज होता है, तो साइन का पेयर क्या होता है कॉस, ये मैं लिख दिया कॉस। तो सबसे पहले क्या देखना है, पेयर चेंज होता है कि नहीं होता है। अब उसके बाद देखना है साइन के बारे में कि प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। तो देखो ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा कहाँ पे है, इस चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा कहाँ पे है,
पहले चतुर्थांश में है क्या? नहीं है। दूसरे चतुर्थांश में 90 और 180, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में है। यहां पे क्या है, 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, कॉस और सॉरी साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं। क्या यहां पे साइन और कॉसेक में से एक है? हाँ सर, यहां पे साइन है तो ये धनात्मक ही होगा। यहां पे नहीं देखना है, क्या है यहां पे देखना है, अगर साइन है और यहां कॉसेक होता तो दोनों यहां पे धन डाल दो, आप सीधा धन डाल दो। यहां पे देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 कहां पे है, 180 कहां पे है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इस तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है, टेन और कॉट। यहां पे क्या है, यहां पर देखते हैं, यहां पे टेन है नहीं है, कॉट है नहीं है, तो टेन और कॉट यहां पे नहीं है तो निगेटिव लगा दो, निगेटिव लगा दो, बस रुक जाओ अभी। तीसरा में बताया ये हो गया टेन 360, टेन 360 माइनस थीटा। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, पेयर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो पेयर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यहां पे आओ 360 है, 360 में चेंज होता है कि नहीं, 360 में नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, तो टेन का टेन लिख दो, टेन का टेन लिख दो, ये लिख दिया। अब हम लोग देखने हैं 360 माइनस थीटा कहां पे, तो 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है, सर कॉस और सेक धनात्मक होता है। क्या यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे कॉस है नहीं, क्या यहाँ पे सेक है नहीं, तो निगेटिव डाल दो, होता तो पॉजिटिव डालते, होता तो पॉजिटिव डालते, ये हो गया, क्या आप समझ गए। एक लास्ट में ले लेता हूं यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा बताओ। सबसे पहले बदलेगा कि नहीं, 360 में बदलता है कि नहीं, 360 में सर नहीं बदलता तो कॉस का कॉस लिख देंगे, कॉस का कॉस लिख देंगे। अब प्लस की माइनस, देखो 360 माइनस थीटा कहां है, यहां पे 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा में कौन कौन धनात्मक होते हैं, कॉस और सेक, तो यहां पे देखो क्या यहां पे कॉस है, हाँ सर कॉस है, उसका मतलब ये यहां पे धन आएगा, और धन लिखने का मतलब नहीं है, धन कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही होते हैं, तो समझ में आया, ऐसे यूज करते हैं। तो आप लोग को ये मैं पूरा फॉर्मूला दे दिया, आगे में पूरा फॉर्मूला दे दिया, ये पूरा फॉर्मूला दे दिया, एक एक चीज आप लोग बनाएंगे, एक एक चीज आप लोग बनाएंगे। तो ये पहले मैं ये पूछता हूं, चलो ये इसका क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा, तो आप लोग क्या करोगे, 90 में चेंज होता है कि नहीं, सर होता है, तो सेक का पेयर लेंगे, सेक का पेयर कहाँ है, ये देखो सेक का पेयर क्या है, कॉसेक, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिख दिए कॉसेक, ठीक है, क्योंकि 90 में चेंज होता है। अब 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा कहाँ है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहां पर देखते हैं, यहां पे क्या है, साइन है क्या, यहां पे साइन है क्या नहीं है, यहां पे कॉसेक है क्या नहीं है, अगर यहां साइन और कॉसेक नहीं है तो यहां पे माइनस लगा देंगे, देखो माइनस लगा, यहां का कॉसेक मत देखना, ये कॉसेक नहीं देखते, यहां पर देखते हैं कि साइन और कॉसेक है कि नहीं। तो ऐसे करके पूरा 48 फॉर्मूला बनेगा, की जान बस इस बोर्ड में बसती है, यहां पे बस इतना समझ लो हो जाएगा। तो पहले वीडियो में मैं आप लोग को प्रांत परिसर और महत्वपूर्ण सारणी के बारे में डिस्कस किया, इस वीडियो में चतुर्थांश सूत्र के बारे में बात किया, अब जितना मेरे को बेसिक बताना था मैं बता डाला, अब सीधा दो अंक के क्वेश्चन में आप लोगों को डील करूंगा और चार अंक के क्वेश्चन डील करूंगा। उस क्वेश्चन को कराने में जहां जहां पे सूत्र आएगा वहां वहां पे मैं सूत्र बता दूंगा, उसका कंसेप्ट तरीका बताते चलूंगा, आपके मार्क्स आएंगे, और ये करने के बाद आप 5 साल के पेपर जरूर सॉल्व करेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी उतना करते रहिए। थैंक यू सो मच।